हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ज्योति बजवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आज। तो अभी बज गए हैं रात के 9 और इसके पापा मतलब मोनी के पापा आ गए हैं। और आज ना हमारे ससुर जी का बर्थडे है तो वो केक लेकर आए हैं, तो केक कट करेंगे अब हम। और मैंने ना वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसे, सोया चाप। मतलब मैंने फर्स्ट बार बनाया है, मुझे मतलब उस चीज़ का मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था, बड़े सिंपल तरीके से बना रही थी वो, जो इंस्टाग्राम होता है ना ऐसे इंस्टॉल करते रहो तो मतलब, तो देखा उसमें आया। फिर मैंने ना उसको सेव नहीं कर पाई, मैंने सोचा सेव कर लिया, बाद में जब मैं बनाने लगी तो मैंने सेव ही नहीं करी थी वो वीडियो। मैंने इतनी ढूंढ दी और वैसी वीडियो ना मुझे कहीं नहीं मिल रही, जितना सिंपल तरीके से उसमें दिखाया था ना, तो इस तरह से मुझे नहीं मिल रही है। पर मैंने सोयाबीन की चाप बना के तो देखा, पर इनको अच्छा लगा, इनको मैंने खिला दिया थोड़ा सा। ये बच्चे हैं, इसका थोड़ा ना मैंने पकौड़ा टाइप का सेप दे दिया है, पता नहीं क्या करते हैं उसमें। पर मैंने यूट्यूब से देखने की कोशिश करी पर मुझे उसका समझ में नहीं आया, पर मैंने अपने ही मन से जैसा आता है वैसा बना दिया मैंने। ये देखिए, मैंने पकौड़े सेप में बनाया है तो इन्होंने खाया, तो इन्होंने कहे बाप रे तो चिकन जैसा हो रहा है। तो इन केक भी लेके जाते हैं और इसको भी लेके जाते हैं, तो वहाँ तो जा नहीं पाए तो यही बना लेते हैं। सही में गाइस, बिल्कुल इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल चिकन जैसा आ रहा है, चिकन के पकौड़े जैसे बनाते हैं ना, है ना। आओ चिकन खा लो। जब से इसके पापा वो लाए हैं, क्या कहते हैं, केक लाए हैं, इसने केक की रट लगा रखी है, काट रहे हैं अभी, रुक जा। गाइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है, मैंने तो फर्स्ट बार, बहुत ज्यादा टेस्टी मैं दिखा रही हूँ उनको, क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। मैंने फर्स्ट बार बनाया पर इतना अच्छा बनेगा मुझे पता नहीं था। गाइस ये देखिए कितने तो इन लोगों ने खा लिया, अब इतने ही बचे हैं ये, इसको भी खा लेते हैं। चटनी होती ना इसके साथ तो मैंने जल्दीबाजी में बनाया ना, ये चटनी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। गाइस पकौड़े तो हमने खा लिए हैं, अब ये केक लाए हैं, तो ये केक ना ये देखिए, चाकू इसी से ही काट लेते हैं, और चाकू तो है नहीं, चलो काटें इसी से। हाँ। मैंने सोचा मैं अब भी लाए हैं ना, आधा घंटा भी नहीं हो रहा है, तो ये डब्बा था इसमें था, ये मैंने इसमें रख दिया, तो ये बच्चे लोग ही काटेंगे और ठंडा है फ्रीजर में। चलो बच्चों, दादू हैप्पी बर्थडे। तू भी तो खिलाएगा, जाना मैं खिलाऊं। अच्छा है? केक कैसा लग रहा है बताओ? केक बहुत अच्छा है, आइसक्रीम वाला केक है ये। मुनी तू कम खाना बेटा, तेरे फिर गले में दर्द हो जाएगी। तू चाकू ही मुंह में लगा दे रहा। खा लो, चलो पार्टी हो गई खत्म, केक कट, पार्टी खत्म, ठीक है। अभी हमने वो भी खा लिया, ये भी खा लिया, तो फिर फ्रीजर से रखा हुआ है। बोलो कुछ बोलना चाहोगे तुम? गाना डांस करोगे? डांस कौन से गाने में करेगा? डांस कौन सा गाना?
लड़कियां हमारे। अच्छा जाइए करो फिर लड़कियां हमारे। तो तुम्हें ये छोटी सी पार्टी कैसी लगी बताओ? अच्छी लगी। तुम कुछ बोलना चाहोगे? हैप्पी बर्थडे डैड। और थोड़ा लेट हो गया आने में, आ नहीं पाया मैं। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस पार्टी हो गई यहीं पर समाप्त। केक कट हो गया है और खा लिया है। अच्छा लग रहा है इनको। मुझे तो ठंडा अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाती ये ठंडा केक। फ्रीजर वाला आइसक्रीम वाला केक लाए हैं। क्या बोलते हैं सर, रेड वेलवेट हैं? ज्ञानी कर गया। हाँ तो आइसक्रीम वाला केक है ये। और मैंने ना आज बनाया है सब्जी में, आलू की सब्जी बनाई है, तरी वाली और सूखी वाली, तो दोनों ही बनाई है। अब रोटी बनाते हैं और खाते हैं हम लोग। तो कई सी सब्जी बना दी, सब्जी बन गई है। और एक कटोरी में सूखी सब्जी रखी हुई है। अब बना लेती हूँ रोटी। तो गाइज़ मैंने ना कल घूमोनी की थोड़े से गले में दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा ये केतल निकाल दूँ पानी गर्म करने के लिए ना। थोड़ा सा ठंडा जैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है ना, तो इसीलिए तो मैंने सोचा ये इसको निकाल देती हूँ। बार बार गैस में पानी गर्म करना पड़ा था। तो ये नया ले रखा है, इसके पापा नया ले आए थे। एक और था हमारा, वो ना ये जो नीचे का था ये गोलू ने तोड़ दिया था, उसको सही कराना था, पर मैंने ऐसे ही बेड में रख दिया, बाद में कराऊंगी करके। तो अब ये बाहर से निकला हुआ था, तो मैंने कहा इसे ही यूज़ कर लेती हूँ ना, तो चाहिए तो यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये, ऑन ऑफ करने का है ना, तो पानी अच्छे से गर्म हो जाता है। मैं इसके पापा से भी मैंने बोला अगर रात को तुम्हें पानी चाहिए होगा तो इसी में से पी लेना, गर्म कर लेना ना, सही रहता है ये केतल ना पीने के लिए। ज़्यादा यहाँ आओ गैस में गर्म करो, इच्छा था तो इसी में ही पी लो जल्दी से। तो गाइस खाना हो गया रेडी, मैंने मिस्टर जी को दे दिया है और ये मेरा खाना है, तो मैं खा लेती हूँ और जल्दी से काम वाम कर लेती हूँ। ये लोग तो अंदर वाले एसी वाले कमरे में खा रहे हैं, तो मैं बाहर ही टीवी देख के खा लेती हूँ। क्या हुआ क्या हुआ, लग गई? कहाँ पर लगी? तुम अपने शरीर में बताओ कहाँ पर लगी? ओ यहाँ लगी, चल मैं आ रही हूँ। सो गाइस मेरा सारा काम हो गया, मैंने किचन भी आज साफ कर दिया, बर्तन वर्तन धो धा के सब आ गए, किचन साफ कर लिया और बच्चों का दूध भी बना लाई हूँ। इनका भी दूध बना के लाई थी, ये नहीं पी रहे हैं। मेरे से कह रहे थे तू पी ले, मेरे से मलाई मलाई वाला दूध ही पिया जाता है। ओए ओए गोलू गिरेगा बेटा, तो गाइस अब ब्लॉग को करती हूँ फिर एंड। अब सो रहे हैं हम लोग और आप लोग को गुड नाइट, बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो बोल जल्दी बोल। बाय बाय, फ्लैंक किसी करो।